आइए आपको ले चलते हैं ऐसी जगह, ऐसा मेला में जहाँ पर करोड़ों लोग स्नान करने के लिए आते हैं। लेकिन क्या आपको मालूम है, इस पूरे मेला क्षेत्र को साफ सुथरा रखने में हमारे जमादार कम्युनिटी अपना विशेष योगदान निभाती है। लेकिन इनकी स्थिति यहाँ क्या होती है, ये दिन भर जितना काम करते हैं क्या उतना पैसा इन्हें मिल पाता है? महन क्या काम करते हो? ये चुनाई है। चुनाई का? चुनाई मतलब लैटरिंग। कितना पैसा मिलता है? 100 रुपए रोज। ये ठेकेदार देता है ना आपको, है ना? कितनी देर काम करते हैं? हम 6 बजे से 11 बजे तक करते हैं, फिर 2 से 5। तो इतनी देर काम करने के लिए मिलता है सिर्फ 100 रुपए है? हाँ सर। तो कभी कहा नहीं कि रुपए ज्यादा मिलना चाहिए? नहीं, कभी नहीं, किसी ने नहीं कहा। हम क्या कर सकते हैं किसी से? सरकार ने इनकी मजदूरी 120 रुपए निर्धारित की है, ठेकेदार इन्हें 100 रुपए बताता है। कितना रोज कमा लेते हो? अरे रोज 100 रुपए पाते, क्या कमाते हैं भाई? इसमें से कुछ पैसा कटेगा? हाँ। कितना? 500 रुपए। किस बात के? जमादारी है, 500 रुपए लेते हैं जमादार, और बाकी दे देते हैं। हाँ, 2500 रुपए मिलता है। तो 2500 रुपए में गुजारा हो जाता है? अब क्या करा जाए बाबू जी। हाँ। जब गुजारा, गरीब आदमी है, करें तो पड़े। क्या काम करवाते हैं? यह झाड़ू वाड़ू का है, और ये जो है कूड़ा कबाड़ है, और लैट्रिन भी उठवाते हैं। हाँ हाँ। ये नहीं लगता है गलत है ये इस तरह से उठाना? सरकार ने कोई नियम कायदे कानून बनाए ना, तो वो उनको चीजें उपलब्ध कराए गए, इनको इनके पास दस्ताने भी नहीं है, है ना, उठाने का साधन भी नहीं है, ऐसे ही उठा रहे हैं। तो इनके लिए आपने क्या व्यवस्था की? दस्ताना साहब वहाँ से जब दे नहीं रहे तो क्या करें भाई? पहले जमाने के मिलता था, लेकिन यहाँ का तो कोई अब कोई नहीं दे रहा। लैट्रिन उठाने का काम क्यों करते हो? अब सफाई कर्मचारी हैं तो काम करना ही पड़ेगा। लैट्रिन आप क्या सीधे जाके फरवा से उठा लेते हैं? और कोई सामान नहीं देता है? ग्लव्स नहीं देता, जूता मोजा ऐसा कुछ नहीं देता है? आपको ये स्वास्थ्य सुविधाएं मिलती है यहाँ पर? मिलती है सर, वही 2 रुपए वाली गोली है। हाँ। और क्या कि वो जो है इंजेक्शन है। हाँ। पानी का, गंगा जी का पानी हो, इंजेक्शन हो, ज्यादा सीरियस है तो उसको जो है प्राइवेट अस्पतालों में भेजा जाता है। उसका पैसा कौन देता है? खुद ही लगाते हैं। जो खुद लगाते हो? हाँ, जो बीमार होता है। जब मैं इन लोगों के साथ जुड़ा, जब हमारे शहर की सफाई व्यवस्था में एक बार सफाई कर्मियों ने हड़ताल कर दी थी, पूरे शहर की व्यवस्था चरमरा गई थी, हर तरफ गंदगियां फैली हुई थी, सरकार ने तत्काल उनकी मांगों को मान लिया था। लेकिन आज उसी तरह से ये सफाई कर्मी, अगर ये अपने हक की लड़ाई स्वयं लड़ते हैं और संगठित होते हैं, तो शायद इनकी मांगों को मान लिया जाए और इनकी स्थिति पहले से बेहतर हो जाए। मैं अजीत बहादुर, इंडियन हर्ड के लिए, इलाहाबाद से, मेला क्षेत्र।